ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਿਲਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੀਦਾ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੋ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਓਏ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਆ ਕੀ ਖਾਕ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਛੱਬੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮਾਫੀ ਡਰਾਮਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਛੱਬੋ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੰਗੇਤਰ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਮੰਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਓਏ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਛਾਲਾ ਬਣਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੁਰਤਾ ਤੇ ਧੋਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜੀ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਬਾਜੀ ਕੁਰਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਧੋਤੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਵਾਬਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਸੀ ਹੈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਾ ਫਸੀ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਮਾਤਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਰਕਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮਧੂਸ ਉਹ ਪਿਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਂਦੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਅੰਨੀ ਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਬਨੋ ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਗੇਤਰ ਕੋ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਓਏ ਛੱਬੋ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਖ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗੇਤਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਖ ਜੂੰਦਾਰ ਜਾਣ ਲੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪੈਂਟ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਲੂਕਾ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੁੜਤਾ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੇ ਦੇ ਓ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ ਧੋਣਾ ਵਾਂ ਹੈਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ अस्सलाम वालेकुम जी मैं हूँ दीदार मुल्तानी जैसे कि आपको पता है कि महफिल थिएटर में इस टाइम चल रहा है टिक्का पार्टी और बिरयानी पार्टी चल रही है जैसे कि आपको पता है प्यार पैसा और ईदी ड्रामा लगा हमारा ईद वाले प्ले में और नेक्स्ट हमारा सुई धागा लगा है जिसकी मतलब कि अभी ड्रामा चल रहा है तो हमारे ड्रामे कामयाबी की खुशी में हमारे प्रोड्यूसर ने हमारी पूरी टीम को टिक्का पार्टी और बिरयानी पार्टी दी है जैसे कि हमेशा आपको पता है पठूरा पार्टी होती है टिक्का पार्टी जलेबी पार्टी इस दफा बिरयानी पार्टी इस दफा एक चीज़ का और इजाफा हुआ है वो बिरयानी है तो हमारे प्रोड्यूसर से पूछते हैं कि वो जी कितने खुश हैं और ये इन्होंने पार्टी दी है किसके कहने पे दी है ये जो पार्टी का सारा जो अरेंजमेंट है ना जी ये खुशबू साहबा का है उनके आने के एजाज में है ये उनकी तरफ से है सब कुछ जो इस मरतबा हमने चिकन बिरयानी भी दे दी है और जलेबियाँ भी गर्म गर्म दे रहे हैं आपको ठीक है कि नहीं टिक्का भी है कबाब भी है मलाई बोटी भी है बहुत सारी आइटमें हैं तो इंशाल्लाह पब्लिक पूरी खुश है खा रही है हम देख रहे हैं इनको सबको बड़े हैप्पी हैं शुक्रिया जी बिल्कुल जी हमारे प्रोड्यूसर यूसुफ सर थे और ये मैडम खुशबू के आने की खुशी में और ये कामयाबी की खुशी में ये पार्टी हमेशा से हम रखते होते हैं क्यों ना कि हमेशा से हमारे जितने फैंस और दोस्त आते हैं हमारा ड्रामा देखने हमें इतना सब लोग सपोर्ट करते हैं कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं ये पार्टीज़ वगैरह रखने के लिए तो सो इन्जॉय करें ये पार्टी सिस्टम आप चल रही देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारा क्राउड लगा हुआ है एक्टर्स का और डांसर्स का और क्या कहते हैं फीमेल्स मेल सारे इकट्ठे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब भी और बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आए हुए हैं यहाँ पर तो आपको दिखाएँगे जब खाना खाएंगे हाँ जी महफिल थिएटर में जैसे आपको पता है यहाँ की रवायती एक रस्म होती है जैसे कि समझ लें कि हमारे प्रोड्यूसर हमें वीक में एक दफ़ा या दो दफ़ा हमें टिक्का पार्टी ज़रूर देते हैं ये हमारे सारे एक्टर्स की डिमांड भी होती है और हमें पसंद भी बहुत है और हमारे प्रोड्यूसर बड़े खुशी खुशी हमें टिक्का पार्टी देते हैं कि मौका मिल जाता है सब एक्टर इकट्ठे होकर बैठे इस मरतबा ये डिमांड खुशबू खान ने पूरी की बिल्कुल जी इस दफा मैडम खुशबू के कहने पर ये डिमांड पूरी हुई है हम काफ़ी अरसे चाह रहे थे कि हमारी डिमांड पूरी करें लेकिन थैंक्सफुल मैडम खुशबू का कि उनकी वजह से ये टिक्का पार्टी हुई है थैंक यू सो मच जी ड्रामा हमारा सुपर हिट गया सुई धागा और सुई धागा की खुशी में ये टिक्का पार्टी और हमारी सुपरस्टार हमारी फिल्म टेलीविज़न और थिएटर की हीरोइन खुशबू खान इस मरतबा ईद के ड्रामे से लेकर स्टिल अभी तक हमारे साथ काम कर रही हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी प्यार पैसा और ईदी के बाद अब सुई धागा ड्रामा लगा है हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे शोज बहुत अच्छे गए हैं और मैडम खुशबू के आने से तो माशाल्लाह से चांद चांद लग गए हैं तो हमने उनकी खुशी में और उनके वेलकम की खुशी में ये पार्टी रखी हुई है तकरीबन हम सारे एक्टर्स जो हैं गेट टुगेदर इकट्ठे हैं ये एक मिल बैठने का बहाना होता है खाना तो सब अपने घर से खाते हैं एक मिलने का एक हंसने बोलने का एक बहाना सब एक्टर ड्रामा खत्म होते भाग जाते हैं इस दफा मैंने कहा जरा रोको इनको फंसाओ इनको ये हर दफा सबको फंसाते ऐसा भागे जे खैर सो लेकिन एंजॉय करें जी एंजॉय थैंक यू जी इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इस तरह की पार्टियां होती रहेंगी इस तरह के सुपर ड्रामे होते रहेंगे मैं हूं साकी खान और मैं हूं तौकीर ज़ैदी और हम खड़े हैं महफिल थिएटर में जहां पे एक टिक्का पार्टी चल रही है टिक्का पार्टी भी है मलाई बोटी पार्टी चावल पार्टी जलेबी पार्टी और यहाँ पार्टी हो रही है हर पार्टी हो रही है ये महफिल थिएटर का मतलब एक कह लें कि एक रस्म बन चुकी है कि हर कामयाब ड्रामे में यूसुफ साहब एक बड़ी अच्छी हमें पार्टी देते हैं और यहाँ पे अब ये पार्टी शुरू हुई है अभी टिक्के चलेंगे यहाँ पे और हमारी दुआएं यूसुफ साहब के साथ डॉक्टर अजमल मलिक साहब के साथ और जितना भी थिएटर का अमला है सब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं
और बड़े अच्छे ड्रामे जा रहे हैं। हम दुआ करते हैं हमेशा अच्छी ऐसी ड्रामे जाते रहें और ऐसी पार्टीज होती रहें। अस्सलाम जी, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक। और मैं हूं खुशबू खान। हम दोनों मिलकर एक खूबसूरत ड्रामा पेश कर रहे हैं जुमा 28 अप्रैल से, और ड्रामे का नाम है सुई धागा। ये एक ऐसा खूबसूरत नाम है कि आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अपने कल्चर को इस ड्रामे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। एक अरसा हो गया, पब्लिक जो है ना ऐसी चीज़ों से बहुत दूर हो गई है जिनका ताल्लुक हकायक से है, और हकायक के बग़ैर जो ड्रामा जो कहानी पेश की जाती है जो हकायक से दूर होती है वो कभी इंसानी जहनों में जज्ब नहीं होती और ना ही आप उनको इंजॉय कर सकते हैं। जब आप हकायक को स्टेज पर लाएंगे, उनको थिएटर का हिस्सा बनाएंगे, तो वो यकीनन खूबसूरत चीज़ होगी। और खुशबू खान एक मरतबा फिर महफिल थिएटर की जीनत बनेंगी एक खूबसूरत रोल के साथ, खूबसूरत डांस आइटम्स के साथ, और इंशाल्लाह ताला ईद का जो ड्रामा था उससे भी ज़्यादा मज़ा लेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं ये आपको बताती जाऊँ कि डॉक्टर अजमल साहब हैं जो कि माशाल्लाह पूरे एक साल से जो यहाँ पे महफिल थिएटर में ड्रामे बना रहे हैं, और वो बिल्कुल हकीकत के नज़दीक है, और करंट जो जो करंट होता है उसको इशू जो होता है उसको लेके वो ड्रामा बनाते हैं। और ये डायरेक्टर हैं हमारे बहुत प्यारे, इस वक्त नंबर वन डायरेक्टर हैं, अल्लाह में इनको और इज़्ज़त दे। तो ये आप लोगों को इसी तरह इंटरटेन करते रहें, और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं यूसुफ साहब उनको भी अल्लाह मियां इज्जत दे और इससे मजीद इज्जत दे, से तंदुरुस्ती दे, क्योंकि उनको अर्निंग होगी तो वो हमें पैसे देंगे तो हमें बार बार लाएंगे और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा ड्रामा तैयार होगा। तो जुम्मा 28 से महफिल थिएटर में सुई धागा ड्रामा देखना ना भूलिएगा। कास्ट में हमारे साथ दीदार जी हैं जो कि बहुत ही यहाँ की मतलब के वो परमानेंट है और बहुत ही खूबसूरत आइटम्स के साथ वो भी आ रही हैं, और हम आपको कास्ट नहीं बताएंगे क्योंकि वो सरप्राइज है, वो हम आपको कल ही शो करेंगे। थैंक यू सो मच। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला, आप एंजॉय करेंगे और इसको हमेशा याद रखेंगे। ड्रामे का नाम बड़ा करारा है, सुई धागा। तो आना ना भूलिएगा, देखना ना भूलिएगा, महफिल थिएटर में 28 अप्रैल से अप्रैल सुई धागा। बेड़ा कर कोजे, तू हर वेले कबरा नहीं गल्ला करता रहने, जिंदगी चार दिन दी ते फिर टेस्ट मैच 5 दिन दा क्यों होंदा है। तो मैं तुहाडा अपना रसी खान सुई धागा, शल्ले ते बटन नहीं लाना या कोई त्रोपा नहीं लाना, ये ड्रामे दा नाम है सर महफिल थिएटर दे विच। जिस तरह मैरी ड्रामा ईद ते चलिया, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा सी, प्यार पैसा और ईदी मैसेज सी, फैमिलीज ने इस थिएटर नाल रजू कीता, फैमिलीज आईया। उस तरह असी कल तो जुमा 28 तो असं जो ड्रामा लाने जा रहे हैं वह नाँ है सुई धागा। ये भी एस 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 टीम है, एक मैसेज है, नवा ड्रामा है, नवे सोंग, नवी आइटम्स और नवी जुगत, हर चीज़ थोड़े से नवी। आ जाओ वेखना से सुई धागा। कोली तरह शिगिरद ने उसे बुलाने लगी चौंक च, पुलिस फौरन पहुंचने वाली गल कर कि रह गए। हाँ, इट्स मी शाहिद खान, मैं महफिल थिएटर की रिहर्सल पे हूँ और एक ड्रामा आ रहा है, एक लाजवाल ड्रामा सुई धागा। जैसे कि उसका नाम डिफरेंट है, उसकी कहानी भी डिफरेंट है। हमारे डायरेक्टर राइटर डॉक्टर अजमल मलिक ने हमेशा कोशिश की है कि आपको डिफरेंट स्टोरी दिखाई जाए, उसमें हम किस हद तक कामयाब हैं ये आप हमेशा आके बताते हैं। ज़रूर आइए, ड्रामा बहुत अच्छा है, इसमें डांस है, रोमांस है और वो सब कुछ है जो आप देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा ड्रामा मेरा इसमें बिल्कुल डिफरेंट, और बड़ी देर के बाद एक सचमुच टिपिकल सा रोल है मेरा, वो जब आप आएँगे तो आपको बताऊँगा। और बहुत प्यारा ड्रामा है, हम आपके हमेशा मुंतजर रहते हैं, हमेशा आपने हमें बकअप किया है, हमेशा आपने हमारी पजीराई की है। इस दफ़ा भी हम महफिल थिएटर में वही पूरी टीम, खुशबू मैडम है, दीदार है, रुबाब है और हीर जट हैं, अहमद रंगीला है, रजी खान है, साकी खान है, और बहुत प्यारी टीम है, मजीद अहमद साहब हैं, नफीस है, गबरू रंगीला है, और बहुत प्यारी नासर मस्ताना है। आइए, और वही टीम जिसको आप हमेशा पसंद करते हैं, वही राइटर, वही डायरेक्टर और हमें मोस्ट सीनियर फनकार अयूब मिर्ज़ा साहब भी हैं, वो भी ड्रामे में हैं। और आइए ड्रामा देखिए, और मुझ तो याद रहने वाला जैसे मौला जट, गुंगी औरत और वो बच्चा जमूरे, ड्रीम गर्ल और बहुत से लातादार ड्रामे, और ईद का ड्रामा जो आपने हाल ही में देखा वो सुपरहिट ड्रामा। और लेकिन उस सबसे बड़ी बात है कि उसकी एक बात, एक झलक भी आपको नज़र नहीं आएगी। ड्रामा देखना आना पड़ेगा आपको कल से जुमा 28 अप्रैल से महफिल थिएटर में सुई धागा, जरूर देखना आइए। मौले नू मौला ना मारे, मौला नहीं मारदा,
मौला नहीं मारदा इनू समझा ले रोशना ठा 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 मौले नू। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमद रंगीला। महफल थिएटर दे विच जुमे वाले दिन तो ड्रामा लग रहा 28 तरीक तो सुई धागा, जिहदे राइटर डायरैक्टर ने डॉक्टर अजमल साहब, सुपर हिट टीम दे नाल सुपर हिट ड्रामा जरूर देखना आओ तुसी। गड्डियां मोड़ लो महफल थिएटर नू, क्योंकि ये ड्रामा तुहाडे नहीं मिस करन वाला। ड्रामे का नाम है सुई धागा, इहदे राइटर डायरैक्टर ने डॉक्टर अजमल साहब। आ जाओ जुमे तो 28 तरीक तो। जी मैं हूँ दीदार मुल्तानी। जैसे कि आपको पता है ईद का प्ले ख़त्म हो चुका है, तो हमारे नेक्स्ट ड्रामे की रिहर्सल चल रही है महफिल थिएटर लाहौर में, और हमारे नेक्स्ट ड्रामे का नाम है सुई धागा। जी हाँ, जिसमें बहुत खूबसूरत कास्ट है। मैं आपकी अपनी दीदार मुल्तानी, आप लोगों की मोहब्बतों की बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ मैं। और आपको पता है मेरे साथ बहुत खूबसूरत लेडी मैडम खुशबू जी हैं, और 10 साल के गैप के बाद वो यहाँ पे आई। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी अप्रिशिएट किया आपने उनके काम को, और उनको इतना पसंद किया। और मेरे साथ और बहुत खूबसूरत कास्ट है, जिसमें हीर जट है, रुबाब चौधरी है। मेल कास्ट जैसे आपको पता है कि महफिल थिएटर की जान जितने भी मेल एक्टर्स हैं, और ये मेरे साथ इस टाइम मौजूद है रुबाब। रुबाब से पूछते हैं जी, क्या कहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे दीदार की आइटम बहुत पसंद आई है, जिसमें वे सोनी दे शुक्रिया। और फ्रेंड्स जी, हमें ड्रामा करके बड़ा मज़ा आया। ईद का प्ले हमारा फिनिश हो गया, अब हमारा जो नया प्ले है वो भी बहुत अच्छा है, उस पर भी बड़े बड़े अच्छे न्यू आइटम्स होंगे। आप सब देखने आए, मज़ा आएगा आपको। उसमें हमारी बहुत ही अच्छी टीम है, दीदार जी हैं, मैडम खुशबू हैं, मैं खुद तो हूँ ही, मेरे साथ हीर जट है, साइमा भी है। आप सब देखने आए हैं लास्टली। हाँ जी, ये मेरे साथ साइमा भी हैं, और इससे पूछते हैं जी, हाँ जी कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको अपनी साइमा चौधरी। मैं कहना चाहूँगी हमारी दीदार मैडम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी है, कैरेक्टर इतना अच्छा किया है, इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा है, और गाना भी सोने का इन्होंने बहुत अच्छा किया है, मुझे मज़ा है इनके साथ काम करने का। शुक्रिया। की भी आइटम बड़ी अच्छी गई है। हाँ जी, वो वाली गलियाँ 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 उसने दिया। जी हाँ जी, इस टाइम हम महफिल थिएटर के सेट पे मौजूद हैं, नेक्स्ट ड्रामे की तैयारी कर रहे हैं, जिस ड्रामे का नाम है सुई धागा, जिसके राइटर डायरेक्टर डॉक्टर अजमल मलिक हैं। और ये भी ड्रामा जो है एक पब्लिक के लिए मैसेज है, और आप सब लोग आइएगा हमारा प्ले देखने के लिए महफिल थिएटर लाहौर।